खिलाकर रख देने वाले निर्भया गैंग रेप और मर्डर केस में एक दोषी की पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच 17 दिसंबर को दोपहर 2 बजे दोषी अक्षय कुमार की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करेगी। इसी मामले के एक दोषी विनय शर्मा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर अपनी दया याचिका वापस लेने की मांग की है। दोषी विनय शर्मा ने अपने वकील एपी सिंह के माध्यम से राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि उसे दया याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए। 7 साल पहले 16 दिसंबर को चलती बस में निर्भया का विभत्स तरीके से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। इसी बीच खबरें आ रही है कि तिहाड़ जेल में दोषियों की फांसी की तैयारियां भी चल रही है और इस मामले के 4th दोषी विनय को मंडोली जेल से तिहाड़ में शिफ्ट भी किया गया है, जिससे फांसी की सुगबुगाहट तेज हो गई है। माना जा रहा था कि 16 दिसंबर को निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा दी जाएगी। ऐसे में जब पूरा देश निर्भया के दोषियों को सजा मिलने का इंतजार कर रहा है, तो दूसरी तरफ इस मामले के दोषी कानूनी पेचीदगियों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और मामला फंसता जा रहा है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।